फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या किसी भी टाइप के अगर आपके पास फैब्रिक रखे हुए हैं, या शिफॉन का हो गया, जॉर्जेट का हो गया, अगर आपके पास कुछ कुछ पीसेस के, जैसे 1.5 मीटर का हो गया, तो आपके पास अगर इस टाइप से, जैसे होते ना हमारे पास कई दुपट्टे भी होते हैं जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास इस टाइप के कपड़े रखे हुए हैं, प्रिंटेड दुपट्टे रखे हुए हैं जिनकी विड्थ आपके साड़ी के विड्थ के बराबर है अगर, तो आप उससे अपने लिए एक डिज़ाइनर साड़ी कैसे बना सकते हैं। मैं आइडियाज़ आपको बहुत सारे दूंगी, बाकी मेरे पास जो मैंने बनाई हुई है, जो भी कुछ एक दो साड़ी मेरे पास रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी और मैं आपको पूरा मेज़रमेंट बता दूंगी कि आप कितने कितने मेज़रमेंट के वो पीसेज लेंगे साड़ी के जो आप बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मेरे पास जो साड़ी रखी हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हाफ हाफ साड़ियाँ होती हैं, कई साड़ियाँ स्टार्टिंग में अलग फैब्रिक होता है, फिर बीच में और मिड में अलग होता है, जो प्लीट्स होती है हमारी साड़ी की, और लास्ट हमारा जो पल्लू होता है वो हमारा अलग होता है। तो उस टाइप से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम वो साड़ी बनाएंगे। तो देखिए, मैं जो अब आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ, देखिए वो है इस टाइप की, ब्लैक कलर की है, ब्लैक एंड क्रीम कलर की, जिसपे ये इस तरीके से दो कलर का ये बॉर्डर लगा हुआ है, गोल्डन का और ये कि वेलवेट का। ठीक है, तो ये साड़ी मेरी घर पे ही बनाई हुई है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक रखा हुआ था। ठीक है, ये फैब्रिक है ब्रासो, जिसके ऊपर से हल्का इसका उभरा प्रिंट होता है ना, उसको हम ब्रासो कहते हैं। तो ये ब्रासो फैब्रिक है, ये इस तरीके से थोड़ा ट्रांजी सा होता है ये। ठीक है, और एक देखिए मेरे पास जो फैब्रिक रखा हुआ था वो था ये वाला। देखिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो फैब्रिक किसी में से निकाला गया हो, या किसी साड़ी को आपने रीयूज किया हो, या फिर वो फैब्रिक उतना बच गया हो किसी साड़ी में से, तो उस फैब्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा नेट का फैब्रिक है, थोड़ा सा ठीक है, जैसे कॉटन का इफेक्ट देता है नेट, उस टाइप से ये वाला फैब्रिक है। ठीक है, इसमें हल्की हल्की गोल्डन शाइनिंग है इस वाले कपड़े में, क्रीम कलर वाले में। देखिए मैंने क्या किया हुआ है इसमें, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि स्टार्टिंग से हम इसे कैसे करेंगे, जहाँ से हम साड़ी को बांधना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी जो साड़ी स्टार्ट होती है, अगर हम 3 पीस में डिवाइड करके साड़ी को बना रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा जो हमको कवर करना होता है अपने वेस्ट को, वो वाला पोर्शन, फिर उसके बाद आता है हमारा प्लीट्स वाला पोर्शन, उसके बाद आता है हमारा पल्लू वाला पोर्शन। तो सबसे जो पहले जो हम फोल्ड करते हैं अपने राउंड में, उस वो फैब्रिक आपको लेना होगा 1.5 मीटर। अगर आप बहुत स्लिम हैं तो आप 1.25 मीटर तक ले सकते हैं अच्छे से, ताकि वो ड्रेप हो जाए अंदर, और अगर आप थोड़े से हैवी हैं तो आप 1.5 मीटर उस फैब्रिक को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए, देखिए ये वाला जो सबसे पहले जिसको हम टक करते हैं अंदर, ठीक है, ये वाले फैब्रिक को हमने 1.5 मीटर लिया हुआ है। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है हमारा प्लीट्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो प्लीट्स वाला पोर्शन मैंने इस नेट का लिया हुआ है, तो हम इस नेट को 2 मीटर लेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से आप याद रखिए, 1.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.5 मीटर, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1.5 और 2 साढ़े 3। ठीक है, और 3.5 और 2.5 कितना हो गया हमारा, 6 मीटर। तो देखिए, जो साड़ी जो एक परफेक्ट जो साड़ी की फिटिंग अच्छी आती है ना, प्लीट्स अच्छी आती है बहुत, तो वो कम से कम आपकी साड़ी 5.5 या फिर 6 मीटर की होनी चाहिए। अगर आप स्लिम है, मैंने कहा, तो आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना प्लीट्स वाले पोर्शन को आप, प्लीट्स और पल्लू वाले को आप रखिए। ठीक है, आप जितना मैंने बताया उतना पूरा रखिए। आप इस वाले फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 पार्ट्स में अपनी साड़ी को बना रहे हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट्स का डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये उसके बाद 1.5 के बाद 2 मीटर का ये आपका प्लीट्स का पोर्शन हो गया, और आपका 3 मीटर का आपका ये वाला, और 2.5 मीटर का आपका पल्ले वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से अगर आपके पास, देखिए इसमें से कुछ पट्टी, कुछ फैब्रिक, कुछ बचा हुआ है जो आपने बीच में लगाया हुआ है, तो आप देखिए इस तरीके से, देखिए
अपनी साड़ी में देखिए इस तरीके से पल्लू डिजाइन कर सकते हैं, जिसे बाजार में आता है ना थोड़ा हैवी, देखिए अब इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप, इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये इसका पल्लू है जो हमारा लटकता है नीचे। ठीक है, अगेन अब मैं इसके बॉर्डर के बारे में बताना चाहूंगी। जो बॉर्डर जो हमारा होता है वो हमारा जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है पल्लू का, उसमें हमें पूरा लगाना है। ठीक है, यानी कि हमें थ्री साइड में पूरा लगाना है हमें। ये देखिए, ठीक है, पूरा लगाना है हमने यहां से, हमने पूरा स्टार्ट करके पूरा हमें लास्ट तक लगा देना है बॉर्डर को, तभी आपका बॉर्डर, जैसे कुछ साड़ी में होता है ना बॉर्डर हमारा थोड़ा सा पीछे से आता है या छोटा पड़ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल आपका एग्जैक्ट प्लीट से ही स्टार्ट होगा बॉर्डर और बिल्कुल प्लीट तक ही आएगा आपका लास्ट तक पूरा। ठीक है, तो आप बॉर्डर का ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाले पीस में हमारा जो पल्लू वाला पोर्शन है उसमें हमने तीनों साइड में पूरा बॉर्डर लगाना है। जितने जो भी बॉर्डर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक का, लेस का, तो आपको पूरा कंप्लीट करना है तीनों पीस में। अब देखिए प्लीट्स इसकी मैंने इस तरीके से बनाई, तो आप भी इस तरीके से कई लेयर्स यूज़ कर सकते हैं लेस में। जैसे आपके पास मान लीजिए एक लेस है और फैब्रिक्स आपके पास कुछ मैचिंग अच्छे पड़े हुए हैं, तो आप देखिए ये फैब्रिक लगा के फिर लेस लगाया मैंने, देखिए फिर ब्लैक लगा वेलवेट का फिर फैब्रिक लगाया है और फिर मैंने ये इसमें ये फिर एक और लेस लगाई, तो ये सारी लेसें मेरे पास रखी हुई थी। ऐसी कोई लेस नहीं है जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी, कि ये भी किसी साड़ी की लेस थी, ये भी किसी साड़ी की लेस थी, क्योंकि होता है ना बहुत सी साड़ियाँ होती हैं जो हमें पहनते पहनते हम नहीं मतलब रिटायर कर देते हैं, लेकिन उनकी लेसेस जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और वो ख़राब भी नहीं होती हैं, तो उनको निकाल कर रख लेते हैं, तो वो बाद में हमें हमारे किसी भी चीज़ में यूज़ आ जाती है। ठीक है, तो देखिए प्लीट वाला पोर्शन है, प्लीट वाले पोर्शन में हमने सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर बनाना है, ऊपर हमने कुछ नहीं लगाना है। अगेन देखिए ये वाला बॉर्डर जैसा कि मैंने पल्ले की तरफ लगाया हुआ था, अगेन मैंने देखिए इधर साइड सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर लगाया हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तीन पार्ट्स में कोई साड़ी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से डिवीजन। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि अगर आप टू पार्ट्स में किसी साड़ी को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। टू पार्ट्स का भी वही हिसाब किताब है जैसे कि आपने डेढ़ डेढ़ और दो, कितना साढ़े तीन हो गया, तो आपको एक पार्ट आपको साढ़े तीन लेना है और एक पार्ट आपको ढाई लेना है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से ये साड़ी सबके पास ऐसी पुरानी सबके पास होती है ना ये वाली। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल यही वाली साड़ी थी मेरे मम्मी के पास भी, तो मैंने देखिए उसको किस तरीके से बनाया है। देखिए तो ये पूरा ढाई मीटर है, ठीक है, ढाई नहीं सॉरी डेढ़ और दो साढ़े तीन मीटर है ये वाला कपड़ा। ठीक है, ये वाला, और फिर इसके बाद देखिए इसमें जो बूटी है, अब हम देखो इसके मैच करके अगर आपके पास कोई प्रिंटेड है और प्लेन के साथ आपको मैच करना है, तो आप देखिए जिस उसमें जो भी आपके पास कलर हो, ठीक है, प्रिंटेड में, तो आप उसके साथ मैच कर लीजिए कि कौन सा प्लेन कलर अच्छा लगेगा। तो देखिए जैसे मैंने येल्लो लिया है, ठीक है, तो अब मैंने भी देखिए इसी में फैब्रिक का भी यूज़ किया, लेस का भी यूज़ किया हुआ है, और मैंने देखिए स्पेशली इसमें जो ब्लॉक प्रिंट होता है ना, हम घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक जो होते हैं ना वुडन वाले, तो ये बाजार में भी मिल जाते हैं। आप किसी भी साइज़ के ब्लॉक का, किसी भी डिज़ाइन का आप ला के और आप आराम से ब्लॉक करके अपनी साड़ी में एक प्लेन फैब्रिक को भी बहुत अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ब्लॉक प्रिंट भी किया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट 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 कलर का किया हुआ है मैंने येलो पर, तब इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। और देखिए ये फैब्रिक पूरा प्लेन था, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जॉर्जेट का शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना प्लेन, आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो फैब्रिक रखा हुआ था, आप दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं प्लेन। ये देखिए मैंने इसमें डिवाइड करके देखिए कुछ कुछ पार्ट कुछ जगह मैंने देखिए इस पर ये लेस लगाई हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैंने ये लेस लगाई हुई है पूरे ढाई मीटर पे, देखो यहाँ तक लास्ट तक, ये देखो यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा पल्ला है, ये हमारे पल्ले की विड्थ है, देखो, ठीक है। तब इस तरीके से भी देखिए अगर आपके पास कोई पतली लेस लगी हुई है ना रखी हुई है, तब इस तरीके से भी देखिए कर सकते हैं, है ना। तो देखिए डिजाइनिंग तो बहुत सारी होती है, मैं आपको अपनी अभी
बहुत सारी साड़ियां मैं आपको दिखाऊं अगर तो, अपनी इस तरीके से हैंड बनी हुई घर पर आप साड़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी ये घर में पहनने के लिए भी, जो लोग साड़ियां घर में पहनते हैं उनके लिए भी ये बहुत डिज़ाइनर और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा हो सकता है आपके लिए। क्या घर में एक डिज़ाइनर, एक नॉर्मल एक प्रिंटेड सी साड़ी घर में पहनने से अच्छा आप इस तरीके से अपने लिए कुछ डिज़ाइनर साड़ी बनाकर अगर आप घर में पहनेंगे ना, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा और डिफरेंट तो देखिए अलग तो लगेगी आपकी साड़ी, सबसे अलग लगेगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें नीचे नीचे सिर्फ प्लेटों पर, मैंने पूरी साड़ी पर तो देखिए आपने देखा कि मैंने किस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है, लेकिन मैंने देखिए सिर्फ प्लेटों पर मैंने, ये देखिए मैंने प्लेटों पे सिर्फ मैंने देखिए येलो कलर की लेस राउंड वाली और लगा दी है, तो नीचे का थोड़ा सा ना अगर आपके बॉर्डर थोड़ा हैवी होता है तो और अच्छी प्लीट्स का इफेक्ट आता है, तो नीचे सिर्फ मैंने इतना ये किया हुआ है बस। तो आप नीचे पूरा 5.5 भी आप पूरा नीचे हैवी रख सकते हैं, सिर्फ अपनी प्लेटों को ही आप हैवी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये सारी डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का डिज़ाइन देना चाहते हैं अपनी साड़ी में। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो थी आप लोगों के लिए यहीं तक, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और भी मैं नई नई साड़ियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि आप किस तरीके से और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे विंटर्स में स्पेशली आपको अगर साड़ी कहीं पहननी है तो आप अपनी एक सिंपल सी साड़ी को विंटर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि उसको, ताकि आपको विंटर में भी वो साड़ी अच्छी लगे और उसका फैब्रिक भी विंटर के अकॉर्डिंग हो आपकी साड़ी का। तो चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।